सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने मैं लाइव देखा दूंगा 500 रुपीस का भाउचर मेरे पास कितना है। ठीक है, देख सकते हो 500 रुपीस का भाउचर मुझे ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। तो दोस्तों, आपको भी इस तरह से अनलिमिटेड 500 रुपीस का भाउचर मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा, क्या वर्क करना पड़ेगा, इसका ऊपर इन डिटेल्स आपको बता दूंगा। तो ये तो आपको बस सिर्फ देखा दिया था किस तरह से पहले से मैं भाउचर को रिडीम करके रखा था। अभी आपके सामने भाउचर को क्लेम करूंगा जो कि 500 रुपीस का के भाउचर मुझे मिल जाएगा। बस एक क्लिक करूंगा तो मेरा वॉलेट में 500 रुपीस का भाउचर आ जाएगा। ये जितना भाउचर आप देख सकते हो सब कुछ भाउचर में पहले से रिडीम ऑलरेडी कर लिया था। अभी आपको वीडियो शुरू करने से पहले आपको पेमेंट प्रूफ लाइव देखा दूंगा किस तरह से एक क्लिक करके आपको 500 रुपीस का भाउचर मिल जाएगा। एंड उसके बाद बता दूंगा ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है, यहाँ पे काम कैसे करना है, तब जाके आपको अनलिमिटेड 500 रुपीस का भाउचर मिल जाएगा। एंड उसके बाद भी बता दूंगा इस 500 भाउचर को किस तरह से यूज करना है, किस तरह से कैश करना है। ठीक है, इसलिए इस पिक्चर को, इस साइड को थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ। उसका दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा रिवार्ड्स। देखो ऊपर में कॉर्नर में देख सकते हो एक ऑप्शन मिल जाएगा रिवार्ड्स। सिंपली सी रिवार्ड्स में मुझे करना है क्लिक। ठीक है, रिवार्ड्स में क्या क्लिक, क्लिक करने के बाद यहाँ पे अमाउंट पूछा था कितना अमाउंट का भाउचर लगेगा। तो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है 500 रुपीस, क्योंकि एक एक भाउचर का जो प्राइस है 500 रुपीस। ठीक है, तो 500 रुपीस सिलेक्ट किया था, देन यहाँ पे करना है रिवार्ड सेक्शन में क्लिक। सो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे क्या बताया गया था, सक्सेस, यू हैव रिसीव 500 रुपीस का भाउचर। ऊपर से मुझे टेक्स्ट भी आ चुका है, देख सकते हो। इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, देखो सक्सेस, भाउचर क्लेम सक्सेसफुल। तो मेरा जो मैसेज सेक्शन है इनबॉक्स, उसको ओपन करके मैं लाइव दिखा देता हूँ 500 रुपीस का भाउचर। ठीक है, तो इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। ऊपर से जो भी आया था भाउचर, सिंपल से इसको मैं ऊपर से टैप कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, डियर कस्टमर कंग्रेचुलेशन फ्रॉम HDFC सिक्योरिटीज, यूर HDFC सिक्योरिटीज ई भाउचर कोड बोलकर मिल चुका है 500 रुपीस का भाउचर। तो दोस्तों देख सकते हो एक क्लिक किया था मुझे 500 रुपीस का भाउचर मिला था। तो आपको सामने मैं फिर से क्लिक करूंगा। ठीक है, तो इस साइड फिर से आ चुका हूँ। एंड यहाँ पे जो ओके है, ओके में कर दिया था क्लिक। उसके बाद दोबारा राइट कॉर्नर में जो रिवार्ड्स का सेक्शन है, तो रिवार्ड्स में किया था क्लिक। एंड सिंपली सेम पीस प्रोसेस में 500 को सिलेक्ट करना है एंड रिवार्ड्स में करना है क्लिक। एंड वो देख सकते हो फिर से भाउचर क्लेम सक्सेस हो चुका है। देखो फिर से ऊपर से एक मैसेज आ चुका है जो कि मुझे ई भाउचर मिल चुका है 500 रुपीस का। तो दोस्तों देख सकते हो, दो क्लिक किया था मुझे 1000 रुपीस अर्निंग हो चुका है। आपको दिखाने के लिए फिर से मैं ओके में क्लिक किया था एंड फिर से यहाँ पे रिवार्ड सेक्शन है, रिवार्ड्स में क्लिक करूंगा, फिर से यहाँ पे अमाउंट 500 को सिलेक्ट कर लूंगा एंड उसके बाद रिवार्ड्स में क्लिक करूंगा। एंड दोस्तों देख सकते हो सक्सेस, फिर से 500 रुपीस का भाउचर मिल चुका है। ऊपर से देखो फिर से मैसेज आ चुका है अभी के अभी 500 रुपीस का भाउचर। ठीक है, तो फिर से आपको समय दिखाने के लिए फिर से ओके करूंगा एंड फिर से रिवार्ड्स में जाना है एंड फिर से अनदर 500 रुपीस में सिलेक्ट कर लूंगा एंड रिवार्ड्स में करना है क्लिक। तो दोस्तों देख सकते हो मुझे फिर से 500 रुपीस का भाउचर मिल चुका है। टोटल 500 रुपीस का भाउचर मिल चुका है, मतलब 2000 रुपीस का भाउचर मुझे अर्निंग हो चुका है। आपको और भी स्पेसिफिक करके दिखाने के लिए मैं फिर से पूरा के पूरा मेरा मैसेज बॉक्स ओपन कर लूंगा, जहाँ पे देख सकते हो मुझे पास कितना भाउचर आ चुका है, 1, 2, 3, 4, मतलब 500 रुपीस का 4 ई गिफ्ट कार्ड आ चुका है। अगर मैं फिर से क्लिक करूंगा तो फिर से मुझे 500 रुपीस का भाउचर आ जाएगा। देख सकते हो ऑलरेडी मुझे टोटल कितना भाउचर क्रेडिट हो चुका है, 16,250 रुपीस, मतलब 500 रुपीस का भाउचर टोटल जो मुझे भाउचर मिला था जिसका प्राइस है 16,250 रुपीस। तो आपको वीडियो का शुरू में आपको बता दिया था एक क्लिक करके आपको भाउचर मिल जाएगा। बट दोस्तों ऐसा कभी भी मत सोचना बिना कोई काम में आपको अर्निंग हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो काम क्या करना पड़ेगा उसके बारे में अभी मैं आपको बात करूंगा। सो फ्रेंड, जो एप्लीकेशन होता है जिसका नाम है HDFC सिक्योरिटीज, देख सकते हो HDFC सिक्योरिटीज, जो एक फ्रेंड को अगर आप रेफर करते हो तो 500 रुपीस का गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा।
वो भी दो मेंबर्स को मिल जाएगा। अगर आपने HDFC सिक्योरिटीज में ज्वाइन करते हो तो आपको साइन अप बोनस 500 रुपीज़ का वाउचर मिल जाएगा। उसके बाद आपका रेफर कोड से किसी फ्रेंड को रेफर करते हो उसको भी 500 रुपीज़ मिल जाएगा। तो मतलब एक रेफर करके HDFC सिक्योरिटीज में 1000 रुपीज़ का वाउचर देता है एक रेफर वालों को, एक रेफरी वालों को। सो दोस्तों आप बताइए HDFC सिक्योरिटीज है क्या? सो दोस्तों HDFC सिक्योरिटीज एक डीमैट अकाउंट ब्रोकरेज होता है। आपको पता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपका एक अकाउंट खोलना होता है जिसको बोलता है डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। तो HDFC सिक्योरिटीज एक जेन्युइन ब्रोकर है जिसका अंदर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको शेयर बाय करके होल्ड कर सकते हो इसके अंदर। अगर आप इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट नहीं हो तो आप सिंपली रेफर अर्न करके करके पैसा कमा सकते हो। सबसे मजा बात ये है HDFC सिक्योरिटीज में आपका ज्वाइनिंग कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में या रजिस्ट्रेशन कर सकते हो एंड आपको 500 रुपीज़ मिल जाएगा। उसके बाद आपको भी रेफर कोड मिल जाएगा, आपका भी लिंक मिल जाएगा, तो उस लिंक के थ्रू फ्रेंड को रेफर करोगी तो उसको भी 500 रुपीज़ मिल जाएगा। इस तरह से आप अनलिमिटेड रेफर कर सकते हो तो आप दोनों को 500 रुपीज़ का आपको बेनिफिट मिलते जाएगा। सो दोस्तों HDFC सिक्योरिटीज में डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपका पैन कार्ड होना चाहिए। सबसे पहले आपका उम्र 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए, देन आपका एक वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए एंड आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। साथ में आपका नाम से एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आपका एक सिग्नेचर, साथ में आपका एक पासपोर्ट फोटो, ये आपका होना चाहिए। तब जाके आप HDFC सिक्योरिटीज में अकाउंट ओपन करके 500 रुपीज़ का साइन अप बोनस या वाउचर आप मिल सकता है। तो दोस्तों HDFC सिक्योरिटीज में ज्वाइन कैसे करना है इसका वो डेडिकेट वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है जिसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो उस लिंक पे क्लिक करके HDFC सिक्योरिटीज में अकाउंट कैसे ओपन करना है वो जरूर सीख जान सकते हो। अगर आपको पता है डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है बट HDFC सिक्योरिटीज में अकाउंट बिल्कुल भी नहीं है तो नीचे ज्वाइनिंग लिंक दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके HDFC सिक्योरिटीज में अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपनिंग में कुछ भी दिक्कत आए तो आप मुझे व्हाट्सएप में बात कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद मेरे चैनल पे एक और वीडियो है ज्वाइन करने के बाद दोस्तों को रेफर कैसे करना है, तो उसका भी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्योंकि इस वीडियो में मेरा मेन मोटिव है HDFC सिक्योरिटीज में रेफर करके करके अब अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, उसका प्रूफ मैं इस वीडियो में बता दिया था। अगर सब डिटेल्स इस वीडियो में कवर करूंगा तो वीडियो 30 मिनट से ऊपर हो जाएगा। इसलिए इस HDFC सिक्योरिटीज के रिलेटेड जितना भी आपका यूजफुल वीडियो है मेरा चैनल पे सभी का लिंक इस वीडियो में दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिए। देन इस वाउचर को रिसीव करने के बाद इस वाउचर को आप चाहो तो शॉपिंग कर सकते हो। अगर आप शॉपिंग करना नहीं आता है या शॉपिंग करने में इंटरेस्ट नहीं हो तो आप इस वाउचर को आप कैश कर सकते हो। ठीक है, कैश कैसे करना है, इस वाउचर यूज कैसे करना है, इसका ऊपर 2-3 वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। आप चाहो तो प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, तो जरूर इस लिंक को फॉलो करके वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। सो दोस्तों आज इस वीडियो बता दिया था HDFC सिक्योरिटीज डीमैट अकाउंट क्या है, यहाँ पे रेफर करके करके पैसा कैसे कमा सकते हो बिना कोई इन्वेस्टमेंट। सो गाइस आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है। अगर आपके पास खाली टाइम है तो जरूर इस ऐप को यूज करो, ज्वाइन करो फटाफट एंड अनलिमिटेड पैसा कमाओ। कुछ भी क्वारी से तो कमेंट से जरूर कमेंट कर सकते हो। और इस तरह से जेन्युइन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्क लाइफ को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे इसी प्रकार जेन्युइन अर्निंग रिलेटेड वीडियो में रेगुलर अपलोड करता हूं जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।